नमस्ते दोस्तों, न्यू वीडियो ऑफ मार्वल कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस। तो आज हम करने वाले हैं 6.2.6 का बॉस द चैंपियन, और ये अपने सब्सक्राइबर की आईडी से कर रहे हैं। तो पाथ मैंने स्ट्रेट ही लिया है, बेसिक नोट्स वाला, ये स्पाइडर मैन वाला पाथ ही लिया, सीधा पाथ ही लिया मैंने। और इस भाई की जो पास जो टीम है उसके लिए मैं टीम लेके आया हूँ, ये हरक्यूलिस, डूम, गोर, चिल्थ और स्ट्रॉन्ग पिरामिड एक्स। ठीक है भाई, तो ये स्ट्रॉम ही है, पिरामिड एक्स नहीं है, स्ट्रॉम लाया सिंपल। तो भाई हमारे पहले स्टार्क स्पाइडर से फाइट है, कोई इतने खतरनाक नोड्स नहीं है, सिंपल फाइट्स है, आप आराम से किसी भी चैंपियन को लाके कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखना कि स्टार्क स्पाइडर ना इवेड करता है बीच में, जब भी ये इवेड करता है तो बैंड बजा देता है, बस इसके इवेड का ध्यान रखना। बाकी ये फाइट इतनी मुश्किल नहीं है, आराम से कर सकते हैं। देखो मैं इसको SP1 पे मारने गया, लेकिन भाई इसने कर लिया वो लगानी हिट और मैं कोई डैमेज पड़ गया इतना सारा। ये मैंने मारा SP2, SP1 भी नहीं मारा, जिसकी वजह से ना ये डैमेज अच्छी तरह से मिला नहीं है इसको। जिस टर्न हो गई हमने मारा एक और हैवी। अरे यार SP2 डेक्स करना इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मेरे को आता है इसका SP2 डेक्स करना। स्टार्क स्पाइडी से इजी फाइट है, नॉर्मल है, किसी भी कॉस्मिक चैंपियंस को ला के आप फाइट कर सकते हो। और जो द चैंपियन बॉस है ना, वो बॉस डिफ़िकल्ट है। एक ही वीडियो में मैंने बॉस और पाथ के बारे में वीडियो बना दिया, इसलिए थोड़ी लंबी वीडियो है ये। अगर हो सके तो मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड कर देता, लेकिन करना नहीं चाहता, क्योंकि ना भाई यहाँ पे ना थोड़े डिफेंडर्स भी मुश्किल हैं और थोड़े बॉस भी मुश्किल ही है, इसलिए मैंने करी नहीं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड। और लकीली भाई के पास डूम था 5-स्टार में मैक्स, इस जो हाई पिजन को आराम से मार सकता है, वरना मुझे घूम के आना पड़ता। और भाई हाई पिजन को आपको पता है डूम बहुत गंदी तरह पेलता है। और अभी ना अगर आपके पास डूम नहीं है ना, तो हाई पीरियन का पाथ मत लेना। इस भाई के पास डूम था इसलिए मैंने इस ये वाला पाथ लिया, आपको घूम के आना पड़ेगा दूसरे पाथ पे। मेरे ख्याल से हाई पीरियन से पहले एंजिला आती है, एंजिला के पाथ से आपको घूम के आना पड़ेगा, वो 4 डिफेंडर है एक्स्ट्रा, उनको मार के फिर आपको आना पड़ेगा स्ट्रेट पाथ पे, अगर आपके पास डूम नहीं है तो, क्योंकि भाई हाई पीरियन को डूम ही देख सकता है, वरना यहीं पे आपके सारे टीममेट खर्च हो जाएंगे, यहीं पे आपकी पूरी टीम खर्च हो जाएगी अगर आपके पास डूम नहीं है तो। ये कि हमने फाइट क्लियर, अगली फाइट पे चलते हैं। अब हमारी फाइट है भाई आइस मैन के साथ। मैं ना चील्थ इसलिए लेके आया था, मुझे लगा था कि आइस मैन जो स्टार्टिंग में कोल्ड स्नैप लगाता है ना, वो चील्थ प्योरीफाई कर लेगी, क्योंकि इसको स्टार्टिंग से ही ना 2 प्योरीफाई वाले बफ मिलते हैं, लेकिन मैं गलत था, वो तो प्योरीफाई नहीं किया चील्थ ने, और ऊपर से ये ब्लीड इम्यून था, जिसकी वजह से ये फाइट भाई बहुत ही लंबी होगी, बहुत ही ज़्यादा लंबी होगी। इसको तो फास्ट फॉरवर्ड करना बनता ही था, इसलिए मैंने इसको भी फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। ये भी ना ज़्यादा मुश्किल फाइट नहीं है, आराम से कर सकते हो आइस मैन वाली फ़ाइट भी, बस आपको कोल्ड स्नैप इम्यून चैम्पियन लाना पड़ेगा। जैसे आप लेके आ सकते हो ABS मैन लेके आ सकते हो, कोल्ड स्नैप इम्यून क्लोसअप्स लेके आ सकते हो, वॉरलॉक लेके आ सकते हो, वॉरलॉक भी बहुत आराम से निपटा देगा, और कोल्ड स्नैप इम्यून ऑनस्लोथ भी लेके आ सकते हो, वो भी कोल्ड स्नैप इम्यून है ऑनस्लोथ भी। और बाकी अगर आप कोई और चैंपियन लेके आओगे तो आपको जो स्टार्टिंग में कोल्ड स्नैप लगता है उसका डैमेज तो लेना ही पड़ेगा। अगली फाइट भी चलते हैं। अब ये वाली फ़ाइट है हमारी ब्लेड के साथ, जिसके लिए मैं स्ट्रॉम लेके आया हूँ। भाई स्ट्रॉम का डैमेज बहुत ही अच्छा है, मैं अब स्ट्रॉम के साथ खेलना सिखाऊँ। मैंने एक स्किक रोटेशन देखी थी कि ना आपको SP2 बनाना है, प्रोवस गेन करके बीच बीच में हैवी मारते रहो और फिर SP2 छोड़ दो इंटरसेप्ट पे, फिर जो डैमेज मिलता है ना भाई, क्या ही डैमेज मिलता है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये देखो ब्लेड का भाई गलती से थोड़ी मार पड़ गई, लेकिन कोई नहीं, SP2 पे पहुंचना मैं हैवी मार मार के, और थोड़ा सा ये बस SP2 पहुंचने वाले, 8 प्रोवस हमने गेन कर लिया है, बस ये हमने मारे एक लास्ट हैवी। अब इंटरसेप्ट पे SP2 दूंगा और ये भाई डैमेज देखना एक बार। अरे यार मेरे को लगा था ये इंटरसेप्ट करेगा, लेकिन इसने इंटरसेप्ट किया नहीं यार, जिसकी वजह से ना डैमेज मिला नहीं इसको। कोई नहीं, पर दोबारा कोशिश करते हैं। ये हमने करा डैक्स, अच्छी तरह डैक्स करा, एक ब्लॉक पे लिया, एक डैक्स किया। और भाई अगर आप लोगों ने कोई भी कंप्लीशन करवाना है तो आप मेरी इंस्टा आईडी पे आके मुझे बता सकते हो कि आपको किस चीज़ कंप्लीशन करवाना है, मैं कंप्लीशन कर दूंगा। और ये भाई अगर आपने ट्रेट लेवल 5 कंप्लीशन करवाना है इवेंट क्विस्ट का, या फिर भाई आपने थ्रोन ब्रेकर पुश करवाना है, पैरागोन पुश करवाना है, तो मैं कर दूंगा। और अगर आप लोगों ने इवेंट क्विस्ट की साइड क्विस्ट भी करवाना है, साइड क्विस्ट भी कर दूंगा मैं। अगर आपने जो कंप्लीट करवाना है ना, वो भी मैं कर दूंगा, चाहे नेक्रो करवाना है, चाहे आपने भाई जो साइड के वो है, जितने जो भी आपने करवाना है, बस इवेंट क्विस्ट और अलायंस वॉर को छोड़ के, अरे इवेंट क्विस्ट नहीं, अलायंस वॉर और अलायंस क्विस्ट को छोड़ के आपने जो क्या करवाना चाहते हो मैं कर दूंगा कंप्लीट। और भाई आप देखा ना आपने SP2 को क्या डैमेज मिला, वो मैं बस ये इसी बात को बताने के चक्कर में SP2 बता नहीं पाया, इसका SP2 का डैमेज बहुत अच्छा था स्ट्रॉम का भाई।
और भाई मैजिक्स के साथ फाइट है, और मैं डूम को यहाँ पे ला के ना बहुत बड़ी गलती करता हूँ, बहुत बड़ी। डूम खा जाते है मेरा पूरा, और इसको भाई डैमेज भी नहीं मिलता कोई। एक तो बस मैं इसको आधे 50% तक भी नहीं पहुँचा पाता और मेरा डूम खा जाती है पूरा ये। मेरे को डूम लाना ही चाहिए था, मेरे को हरक्यूलिस ला के करना चाहिए था। अगर मैजिक्स के लिए आपके पास कोई साइंस में चैंपियन है ना तो ले आना, हल्क बहुत अच्छा काउंटर है इसका, हल्क ले आओ, आराम से कर सकते हो मैजिक्स की फाइट। वरना तो भाई मत लेके आना, हरक्यूलिस को ही लेके आना अगर आपके पास है तो, और वरना मैजिक्स वाला पाथ मत लेना भाई, मैजिक वाली फ़ाइट मत लेना, घूम के ही आ जाना। 3-4 फाइटें करनी पड़ेगी उनसे तो सही है, वरना भाई यही आपके 3-4 चैंपियन खा जाएगी भाई। मेरे को लगता है कि ना अभी कबाम ने ना 6-स्टार मैजिक अभी दी नहीं है हमको किसी भी क्रिस्टल ओपनिंग में। अगर मेरे को पता है 6-स्टार मैजिक दिया या नहीं दिया, मेरे को ध्यान नहीं है। मेरे ख्याल से तो 6-स्टार मैजिक अभी दी नहीं है इन्होंने, 5-स्टार ही मैजिक है। और मेरे पास 5-स्टार मैजिक पड़ी है लेकिन मैंने रैंक अप नहीं करा। सोच रहा हूँ कर लूँ मैजिक्स को, क्योंकि डिफेंस में काम आ सकती है ये अच्छा, और अटैकिंग में भी बहुत अच्छा कभी कभी काम आ जाती है ये अटैकर के रूप में भी। और फिलहाल तो यार इसको ख़त्म करना है, मेरा डूम भी पूरा खा गया, मेरा हरक्यूलिस भी पूरा खा गया ये। और भाई इसको मारने के लिए ना इजी मैथड मैं बताता हूँ कैसे। जब भी इसका लिम्बो स्टार्ट होना तो लिम्बो में इसको मत मारना, वरना लिम्बो जब भी स्टार्ट होता है आपको डैमेज मिलने लग जाता है। और अगर आप इसको लिम्बो में मारते हो तो ये वापस रीजेन करती है। तो अगली फाइट पे चलते हैं, अगली फाइट है हमारी वॉइड के साथ। तो वॉइड के लिए मेरे पास एकदम परफेक्ट काउंटर है चील्ड, और भाई वॉइड पे कोई दिक्कत नहीं आई, वॉइड से हमने आराम से कर लिया, क्योंकि हमारे पास वॉइड के लिए परफेक्टम परफेक्ट काउंटर है चील्ड। कोई भी स्किल चैंपियन साइंस चैंपियन की बैंड बजा सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आराम से वॉइड को देख लिया, कोई भी दिक्कत नहीं आई, ना डीबफ लगा पाया हमारे ऊपर ये कोई, ना हमको कॉम्बो मीटर बनाने की कोई टेंशन थी। बस वॉइड की फ़ाइट में एक दिक्कत है कि जब आप इसको 25% से नीचे कर दोगे तब ये पूरी फाइट के लिए अनब्लॉकेबल हो जाएगा। इस पर अनब्लॉकेबल फिलहाल लगा हुआ है, तो 25% के बाद ही अनब्लॉकेबल हो जाएगा, तो ध्यान रखना इस बात का। अगली फाइट भी चलते हैं। अब हमारी फाइट है हल्क रैग्नारोक के साथ, जिसके लिए हमारे पास चील थी है, और इस पर नोट है कि जब भी ये फास्ट फॉरवर्ड आगे आएगा तब ये अनस्टॉपेबल हो जाएगा और ये सारे डिबफ हटाता आएगा। लेकिन बस मुझे SP1 तक ही पहुंचना था, चील को पहुंचाना था, क्योंकि SP1 पे चील भाई हर टाइप का अनस्टॉपेबल काउंटर कर लेती है, हर टाइप का अनस्टॉपेबल काउंटर कर लेती है। अब ये स्मैश करे या अनस्टॉपेबल बने या जो मर्जी अनस्टॉपेबल ये गेन कर ले, चील्थ को नहीं मार पाएगा, क्योंकि चील्थ SP1 पे भाई अनस्टॉपेबल को काउंटर करती है। ये अनस्टॉपेबल को काउंटर करने के लिए परफेक्ट चैंपियन है ये, बिना अवेकन के भी काउंटर करती है ये। अगर आपने थिंक को मारना है ना तो इसकी अच्छा कोई चैंपियन होगा नहीं, लेकिन थिंक ब्लीड इम्यून है इसलिए टाइम लग सकता है आपको। और ये जो हमारी फाइट है कॉर्वस ग्लेव के साथ, तो कॉर्वस ग्लेव के लिए मैं गोर लेके आया था 7 स्टार भाई के पास अकाउंट में पड़ा था, तो मैं इसको लेके आया था, मैंने सोचा इसको भी इस्तेमाल कर ही लेते हैं। तो कॉर्वस के साथ फाइट है, ज़्यादा मुश्किल फाइट नहीं है। इसका SP1 SP2 दोनों इसके स्पेशल्स इवेड करना और डेक्स करना बहुत ही आसान है, बस इसको गलती से SP3 पे मत पहुंचा देना, वरना बहुत ही गंदा डैमेज पड़ सकता है। और ध्यान से डेक्स करना, कभी डेक्स करने के चक्कर में इंटरसेप्ट करने के चक्कर में अपना स्पेशल छोड़ दे और आपको पड़ जाए, क्योंकि इसके एक SP2 में आप ख़त्म हो जाओगे। और भाई गौर से हमने इसको बहुत अच्छा डैमेज दे दिया है, और हमने गौर से इतना डैमेज भी नहीं लिया है। और भाई जो अगला फाइनल बॉस है ना, द चैम्पियन भाई, खतरनाक बॉस है। मैंने भाई एक बार ना इस भाई के अकाउंट में ना 5-स्टार का सांगची पड़ा था, तो मैं उसको रैंक अप करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन आपको पता है एक ही बार में सीधा रैंक अप नहीं होता। ये देखो सांगची भाई, ये ना रैंक 2 या 3 का ही था, मैंने थोड़ी स्टार्टिंग में ना रोटेशन गलत मार दी थी, जिसकी वजह से भाई मेरे को इतना मार पड़ेगी सांगची को। लेकिन भाई मेरा ना दिमाग तब ख़राब हुआ सांगची पे कि जब मैंने इसके पूरे 20 से ऊपर चार्जेस बना दिए थे, 20 से ऊपर भाई, 20 से ऊपर चार्जेस से ना इसका फर्स्ट फेज तो आराम से ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन भाई इतना मेरे को लग रहा है इतने लेवल का सांगची था ना, इसलिए भाई डैमेज मिला ही नहीं इसको, फर्स्ट फेज़ भी नहीं ख़त्म हुआ इसका। फर्स्ट फेज़ के नोड में बता देता हूँ, फर्स्ट फेज़ में ना ये अनस्टॉपेबल बनता रहेगा, लेकिन अनस्टॉपेबल बनने से पहले ना ये देखो प्राइमरी फ्यूरी लिखा आएगा इसके ना साइड पे, देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है जगह स्टंस लो अनस्टॉपेबल जो ही लिखा आ रहा है ना, यहाँ पे प्राइमरी फ्यूरी लिखा आएगा, उसके बाद जाके ये अनस्टॉपेबल बनेगा, ठीक है। अगर आपके पास स्लो वाला चैंपियन है तो स्लो वाला चैंपियन ले आओ। ये देखो भाई मैंने SP2 मारा ना, और ये मरा यहाँ पे, फर्स्ट फेज भी ख़त्म नहीं हुआ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैंने कहा मरने ही दो सांगची को, कोई और चैंपियन यूज़ करते हैं। और लकीली भाई के पास अकाउंट में हरक्यूलिस पड़ा था, और जितना मैंने इसको मारा नहीं ना उससे डबल तो ये रीजन ही कर गया है। और ये मैंने SP3 छोड़ दिया, क्योंकि ये भी SP3 पे पहुंच गया, तो यहाँ पे हमारा सांगची ख़त्म। और भाई यार बहुत गंदा मूड ख़राब हुआ जब 20 चार्जेस के ऊपर इसको मारा, फर्स्ट फेज भी नहीं ख़त्म हुआ। और यहाँ पे ना मेरे को थोड़ा हरक्यूलिस को ना हीलिंग्स बोल डाल देने चाहिए थे,
क्योंकि हरक्यूलिस ही है जो हाई डैमेज चैंपियन है। प्राइमरी फ्यूरी लिखा आया, प्राइमरी फ्यूरी के बाद पीछे हो जाओ भाई, मारना बिल्कुल भी मत, क्योंकि प्राइमरी फ्यूरी के बाद ये होता है अनस्टॉपेबल, और अनस्टॉपेबल चलता है कुछ 10-12 सेकेंड्स के लिए, तो भाई ध्यान रखना। और ये रीजेन भी करता है बीच बीच में, ये देखो कितना भाई डिफेंसिव भी हो रहा है, देखो प्राइमरी फ्यूरी लिख के आई। लेकिन एक फ़ायदा भाई बॉस की फाइट में कि जब भी आप अपना स्पेशल छोड़ोगे ना तो इसका अनस्टॉपेबल नलीफाई हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। आपका स्पेशल आप आराम से मार सकते हो, लेकिन आपके जैसे ही आपका स्पेशल ख़त्म होएगा और इसका अनस्टॉपेबल चल रहा होगा फिर दिक्कत आएगी। जैसे आप इसका अनस्टॉपेबल चल रहा है, अब मैं इसमें स्पेशल छोड़ दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका अनस्टॉपेबल चल रहा है मैं बीच में घुस गया तो दिक्कत है। अभी देखना अनस्टॉपेबल चलते चलते मैं स्पेशल भी मारता हूँ इसको और कोई दिक्कत नहीं आती। देखो अभी तक इसका ना फर्स्ट फेज़ भी कम्प्लीट नहीं हुआ, तो फर्स्ट फेज़ ख़त्म होएगा 70% पे। देखो प्राइमरी फ्यूरी लिखा है, अब मैं SP2 मारूंगा ना, ये देखो मारा SP2, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, स्पेशल आप इसको मार सकते हो इसके अनब्लॉकेबल पे भी, सॉरी अनस्टॉपेबल पे भी, बस अनस्टॉपेबल पे आप बेसिक हिट्स नहीं मार सकते। और ये हुआ है इसका सेकेंड फेज स्टार्ट। देखो ऊपर पहले ग्रीन कलर का वो स्टोन था, अब पर्पल कलर का स्टोन आ चुका है, अब इसका सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ है। और सेकेंड फेज़ में आपको करना है ये देखो, मैं बताता हूँ, एक तो मेरा गोर भी यहाँ ख़त्म हो गया, मैं बता देता हूँ, ये जो सेकंड फेज़ है ना, सेकंड फेज़ में इसके मीडियम अटैक अनब्लॉकेबल हैं, तो जब भी फाइट स्टार्ट होगी ये आपको मारने की कोशिश करेगा, आपको पीछे ही जाना है, क्योंकि इसके जो भी मीडियम अटैक है वो सारे अनब्लॉकेबल हैं, अनब्लॉकेबल। देखो प्राइमरी फ्यूरी है इसने भाई, अनस्टॉपेबल हो गया। मैं चील्थ इसलिए लेके आया क्योंकि चील्थ SP1 पे अनस्टॉपेबल टैकल कर लेती है, बस SP1 पे पहुँचाना है चील्थ को। अब मैं इसको आराम से मार सकता हूँ, चाहे इसका अनस्टॉपेबल आए या ना आए, अब इसको मैं आराम से मार सकता हूँ। और इसका फेज़ 3 स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हो पर्पल वो फेज़ रहता है 70% से 30% तक, और अब इसका फेज़ 3 स्टार्ट हो चुका है। अब ये अनस्टॉपेबल के साथ साथ अनब्लॉकेबल भी है, अनस्टॉपेबल के साथ साथ अभी अनब्लॉकेबल भी है पूरी फाइट के लिए। तो 30% तक मैं इसको ले आया और 25% तक मैंने इसको पहुँचा दिया चील्ड से। ये देखो भाई, बस ध्यान रखना मार मत खा लेना, बस इंटरसेप्ट ना ये बहुत गंदा कर रहा है AI, तो ध्यान से रखना इंटरसेप्ट भी कर रहा है। देखो अनब्लॉकेबल है पूरी फाइट में, पूरी फाइट में मैं अनस्टॉपेबल के साथ साथ अनब्लॉकेबल भी है, तो ध्यान से खेलना, इंटरसेप्ट करने के चक्कर में कभी खुद मार खा लो। ये देखो अनब्लॉकेबल प्राइमरी फ्यूरी लिखा है तो मैं पीछे हो गया, और मैंने फाइट पहले फर्स्ट स्टार्टिंग में सांची वाली फास्ट फॉरवर्ड कर रखी थी, ये वाली फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रखी। और जब इसका फोर्थ फेज स्टार्ट होएगा ना, वो फेज़ थोड़ा मुश्किल है, वो स्टार्ट होएगा 10% पे। ये देखो 30 से 10% इसका चलेगा थर्ड फेज़, अब 10 से 0% तक स्टार्ट होएगा इसका फोर्थ फेज़। इसमें टोटल मेरे 2 रिवाइव लगे हैं, वो भी हरक्यूलिस पे, क्योंकि हरक्यूलिस ने इसको मारा है। और फोर्थ फेज़ में आपको समझाता हूँ, फोर्थ फेज़ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये आपको ऊपर 2 अनडिस्ट्रक्टेबल चार्जेस दिख रहे होंगे, 2 या 3 अनडिस्ट्रक्टेबल चार्जेस दिख रहे होंगे, ये चार्जेस आपको हटाने हैं। और कैसे हटाने हैं वो भी मैं बताता हूँ आपको ना, इसको स्पेशल पे पुश करना है, SP1 पे इसको पुश करना है, और पूरा का पूरा इसका SP1 अपने ब्लॉक पे लेना पड़ेगा, अपने ब्लॉक पे इसका पूरा SP1 लो। और जब भी SP1 की ये लास्ट हिट मारने वाला, अपना सर फेंक के मारने वाला हो ना, अपना सर मारने वाला हो, उसी टाइम बस आपको डेक्स कर देना है, पीछे हो जाना जब अपना सर मारने वाला हो आपके ब्लॉक पे ये, और तब जाके एक अनडिस्ट्रक्टेबल चार्ज हटेगा। ऐसे ही करके आपको 3 बार अनडिस्ट्रक्टेबल चार्जेस हटाने पड़ेंगे। ये देखो अब मैंने करा, देखो अनडिस्ट्रक्टेबल चार्ज हट गया। और फोर्थ फेज़ में ये सिर्फ आपका स्पेशल का डैमेज लेगा, ये किसी बेसिक हिट का डैमेज नहीं लेगा, तो स्पेशल से ही आपको मारना पड़ेगा और ये फाइट ख़त्म। आराम से हमने इसको निपटा दिया 2 रिवाइव में, वरना ये 5-6 रिवाइव ले ही जाता है हर बार। और ये रिवॉर्ड्स हैं, और भाई को हमने 6.2 क्लियर करवा दिया आराम से। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।